मेरी बातों का बुरा आप मान मत लेना।
श्रेष्ठता में किसी अर्जुन को जिताने के लिए, श्रेष्ठता में किसी अर्जुन को जिताने के लिए एकलव्यों से अंगूठे का दान बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ओजस्वित कर दिया, ओजस्वित कर दिया। शुभ्र पद्मासनामा वीरा पाणी वाणी विश्व रूप ब्रह्मारी जाया ब्रह्म भगवान की, नमन है अनेक माते अर्चना है केवल एक, सुर सिखला दे भगवत भारती के गान की, कर दे सुबुद्धि भर दे अंतर में शुद्ध भक्ति, काव्य को बना दे तिग्म रश्मि दिनमान की, और वीरा के तार की झंकार कुछ ऐसी करमा विश्व तक पुकार उठे जय हिंदुस्तान। वीरा के तार की झकार कुछ ऐसी करमा विश्व तक पुकार उठे जय हिंदुस्तान की। भैया ने लाहौर कराची की बात की थी, एक गलती हमारे राजनेताओं से हो गई तो हमने ये सेवा समर्पण की भावना, ये सेवा के संस्थान हम लाहौर तक भी चलाता, यदि एक चीज नहीं हुई होती कि मुल्क को मजहबी जमाना पिन्हाया होता, मुल्क को मजहबी जमाना पिन्हाया होता, देश बटता नहीं कोई कहीं दंगा होता, और दो जमीनों में तो होते ना सियासी मसले तो ये लाहौर तलक अपना तिरंगा होता, दो जमीनों में तो होते ना सियासी मसले तो ये लाहौर। यूं तो अपने इश्क पे जान भी कुर्बान है, ये बताइएगा कि आप देश प्रेम को अव्वल मानते हैं, यूं तो अपने इश्क पर जान भी कुर्बान है पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। जिसने था भारती की भव्यता का मान रखा उनकी ही पहचान पूछने लगे थे लोग, अदृश्य एक दृश्य देख क्रोधित हुआ था मैं, प्रीत का ही परिधान पूछने लगे थे लोग, जानते हैं आन बान सानु और प्राण किंतु धर्म धरा का सम्मान पूछने लगे थे लोग, हिंदुओं का हिंद जब मूर्छित पड़ा था तब मेरे राम का प्रमाण पूछने लगे। भी कालिमा घना दिया पूछना, लखनऊ में 10 मार्च दिखा रहा हूँ, निवेदन करता हूँ कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी कालिमा घना दिया, पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो बिना दिया, काल सेवकों ने खाई थी कसम राम की तो राम भक्त को भी घनघोर तारणा दिया, और यक्षगण राम के प्रत्यक्ष हुए राम जब, निवेदन कर रहा हूँ कौन मंदिर बनवाया है, तालियां मुखर हो जाए, निवेदन करता हूँ कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी कालिमा घना दिया, पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो गुना दिया, काल सेवकों ने खाई थी कसम राम की तो राम भक्त को भी घनघोर तारणा दिया, यक्षगण राम के प्रत्यक्ष हुए राम जब, राम ने ही राम का वो मंदिर बनाया। प्राण पूज परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ, ये बताइएगा आप कविता के लोग हैं, निवेदन कर रहा हूँ कि पूजता हूँ प्राण पूज परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ भ्रिकुटी की भव्यता मैं भवानी की, अनग अनंत आसमान पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ वंदे मातरम गीत मीत संग जनगण मन का ही गान पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ पवित्र प्रेम का परिणाम राम, राम का ही धाम हिंदुस्तान पूजता हूँ मैं, राम का ही धाम हिंदुस्तान पूजता हूँ मैं। सुनिए कि युगों का संताप मिटा भगवा अपना लहराया है, तब जाकर अभी हमने गौरव से शीर्ष उठाया है, पुनः शिलालेख बनकर इतिहासों को दोहराया है, अयोध्या नगरी को फिर से दीपोत्सव से सजवाया है, हमने जो कहा था वो हमने करके दिखलाया है, राम लला का मंदिर भव्य हमने वही बनाया है। हमने वही बनाया है। भगत सिंह और सुखदेव चंद्रशेखर आजाद के घर गए तो उनकी एक बात, उन्होंने देखा कि रात को चंद्रशेखर आजाद की माँ अपने पड़ोसन से भोजन के लिए कुछ सामग्रियां, क्योंकि घर में कुछ था नहीं,
मांग रही थी। भगत सिंह ने जब देखा वो दृश्य, वो आए इलाहाबाद काकोरी का कांड हुआ था, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि इस खजाने से कुछ धन अपने घर भिजवा दीजिए, वहां लोग भूखों मर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का जो जवाब था उसको मैंने कविता में पिरोया है। किसी एक की न होती भारती माँ ठीक वैसे, क्रांति पुत्र एक माँ के बेटे नहीं होते हैं। किसी एक की न होती भारती माँ ठीक वैसे, क्रांति पुत्र एक माँ के बेटे नहीं होते हैं। ऐसी मजबूरी मेरे घर की अकेली नहीं, आज हम सभी के परिजन भूखे पेट सोते हैं। तो भगत बताओ कैसे पक्षपात कर दू मैं, भूखे सभी लोग सिर्फ हम ही नहीं होते हैं। किसे किसे दू मैं अन्न, आखिर सभी विपन्न, क्योंकि क्रांतिकारी सेठों के बेटे नहीं होते हैं। कि सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, बातों के व्याकरण बदल रहे हैं, आदमी के आचरण बदल रहे हैं, औरतों के अलंकरण बदल रहे हैं, विसंगतियों का अंधेरा है, खोटे सिक्के चल रहे हैं, संभल के चलना लोग रंग बदल रहे हैं, संभल के चलना लोग रंग बदल रहे हैं। जय हो। जैसा कि आज संविधान दिवस है, मैं भी देखता हूँ और न्यायपालिका को जब देखता हूँ तो ये लगता है कि क्या ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है, लेकिन आंखों से देखता हूँ तब ये पंक्तियाँ मैं लिखता हूँ कि कल भरी इजलास में था सच यहाँ नंगा हुआ, कल भरी इजलास में था सच यहाँ नंगा हुआ, और उसने ऐसा क्या कहा, उसने ऐसा क्या कहा जो शहर में दंगा हुआ। कल भरी इजलास में था सच यहाँ नंगा हुआ, और उसने ऐसा क्या कहा जो शहर में दंगा हुआ। मौन मस्जिद की मीनारे, मौन मस्जिद की मीनारे, मंदिरें खामोश थी, खून से लथपथ सड़क थी, आदमी नंगा हुआ, उसने ऐसा क्या कहा जो शहर में दंगा हुआ। प्रभु की मूरत जैसी मेरे मात पिता की सूरत है, प्रभु की मूरत जैसी मेरे मात पिता की सूरत है, इनके आशीषों की जीवन में हर हाल जरूरत है, इनके आशीषों की जीवन में हर हाल जरूरत है। झंझावातों के बेहड़ सुगम पंथ मिल जाए, बहुत आभार हमारे भारत के लिए, यहाँ आप सब के लिए। वाकई ऐतिहासिक इस तौर पर भी है कि जो आजादी है ये किसी एक दिन या किसी कुछ वर्षों का मामला नहीं था, इसके लिए सदियों का संघर्ष हुआ, तब जाकर आज संविधान दिवस 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस हम मना पाते हैं। बहुत बधाई के पात्र आप सब लोग हैं जो आज यहाँ जमुना पार में प्रयागराज की इस पवित्र पावन भूमि पे, मुझे अपनी पंक्तियां याद आ रही हैं, अजर हो गया है, अमर हो गया है। याद करिए, हर वर्ष यहाँ माघ मेला होता है और कुंभ मेला 12 वर्षों पे आता है। अदालत सूर्य है वो न्याय का जिससे उजाला, अदालत सूर्य है वो न्याय का जिससे उजाला है। मुसीबत जब पड़ी है मुल्क पर इसने संभाला है। हमारे काम मत देखो, हमारे वस्त्र मत देखो, हमारे काम को देखो, हमारी आत्मा उजली है केवल वस्त्र।